ये है मेरी बाली सीरीज की पहली वीडियो और इस वीडियो में आप देखेंगे बाली से नूसा पेनिडा कैसे जाते हैं, वहां का लोकल ट्रांसपोर्टेशन और एक मिस्टीरियस बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, तो स्वागत है आपका बाली में। तो फाइनली रात को हम लैंड हो गए थे बाली में और सुबह हो गई है, लगभग टाइम हो गया यहाँ का 8:30 हो चुके हैं और मैं नहा धो के एंड फ्रेश हो गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा मनी एक्सचेंज करने, क्योंकि पैसे की थोड़ी सी किल्लत है तो लेके आने पड़ेंगे। डॉलर एक्सचेंज कराऊँगा अभी जाकर। और भाई साहब ने जगह बताई तो है, आई थिंक सो यही है, तो सीधा जाना है हमें। और पहले तो मनी एक्सचेंज कराऊंगा और बताता हूँ क्या क्या रेट मिलता था वहाँ। तो रेट मिल रहा था भाई एक 13,700 मिलते थे, वही 195 रुपये, क्योंकि रेट अब कम हो गया, पहले 200 रुपये होता था, अब 195 इतने मिलते हैं। और पैसे चढ़ाने के बाद चेकआउट कर दूंगा। तो पहले बता देता हूँ बाली में क्या क्या है। बाली में एक तो कुटा होती है, एक बाली में उडुब है, नूसा पेनिडा, गिली आइलैंड, एक चंगू है। वो इतनी 4-5 चीज़ें, पर मैं इतनी सारी नहीं कर पाऊँगा, टाइम थोड़ा है। तो 2 दिन मैं लगाऊँगा नूसा पेनिडा में और 3 दिन उबुद, 2 दिन उबुद और 1 दिन कुटा। तो ऐसे चलेगा काम। करंसी भाई चेंज करा ली है, करंसी अभी एक्सचेंज करा ली मैंने, ये थी रिसिप्ट। तो मुझे मिले यहाँ के 13,000 भाई, मीर हो गया तुम्हारा भाई, भाई सच में 2-3 बारी तड़ा ले तेरे भाई ने, 13,000 26-40-50 लाख रुपए का मालक हो गया मेरे दिनों में। और तो अभी मेरे को मिले 75,000 भाई, मेरे को पता लगता नहीं क्या यार इनका नोट का था। चलो है तो कुछ नहीं भाई, वही है 500 रुपये बनते हैं अपना, इतना चप्पी ही आम सी बात है। तो अपना सामान यहाँ पर लेकर, नमस्ते नमस्ते, नासा या नासा भाई, नासा साइंटिस्ट। तो भाई साइंटिस्ट बन गया अभी थोड़ी देर के लिए। तो जैसे मैंने बताया तो यहाँ ध्यान से चले, थोड़ा सीना चप्पी जाती है और मेरे को मिल गए 13,50,000 भाई, अमीर हो गया, मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, अभी तक 3-4 मिलियन तड़ा लिया भाई, खर्च रहा है खुला, फुल टू ऐश में है। और ये रहा हमारा हॉस्टल आ गया, ये आई थिंक सो। This is the room. Yeah, prima volta, c'è dello. Oh yeah. Thank you. Oh yeah, yeah. I know. Sometimes they try to give fake. Sometimes. Yeah. Thank you. No worries. So, ये है मेरा होस्टल, ये था इसमें स्विमिंग पूल और मेरा बेड था लगभग इधरली साइड पे। आपको दिखा देता हूँ, सुबह मेरे से दिखा नहीं हुआ था। तो ये था मेरा बेड, यहाँ पे मैं सोया था, ऊपर वाली साइड वो ग्रीन वाला। तो अभी सारे सोए हुए, मैं तो उठ के जा रहा हूँ। और ये था, ठीक है भाई हॉस्टल चल गया काम, तो अभी हम गोजक करेंगे और सीधा वहाँ जाएंगे। ये तो मैंने गोजक बुक कर दिया यहाँ से सनौर हार्बर के लिए, और वहाँ से हम लेंगे स्पीड बोट जो जाएगी सीधा नूसा पेनिडा। और हमें बढ़िया है जो टैक्सी 95,000 रुपया, जो लगभग 450 लगा के चलो इतना बन जाते हैं, और हम शेयर कर रहे हैं तो हमें हाफ पड़ेगा। वेलकम बैक गाइस, तो आ गए हम दोबारा से सनौर के वहाँ पे, और हमने टिकट तो ये रुक टिकट कहाँ की भाई, ये है टिकट मैंने बुक करा ली है। और मैं प्राइस बता देता हूँ, जैसे मैंने कहा था 2 लाख है 1 वे के। तो अगर आप 2 जाने हैं या 3 जाने हैं तो आपको 2,50,000, मतलब 2.5 लाख में आने जाने का दे रहा था स्पीड बोर्ड का।
मैं भी सुन के हैरान। तो आने जाने का आपको 2500 पड़ेगा, अगर आप सिंगल है तो वो 2 लाख जाने का और 2 लाख आने का लेगा, 4 लाख और मे भी 3 लाख भी मान सकते हैं 1%। अगर आप अकेले हैं तो 3 लाख में भी दे सकता है आपको। तो यहाँ से स्पीड बोट लेती है आधा घंटा और 11 बज गया, और हमारी 11:30 बजे की वो है बस। और जैसे मैंने बताया था, हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं डैनियल। डैनियल, ओके, इज डैनियल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ये हमारे साथ जा रहे हैं भाई साहब मुसा पनिंदा, और ये ट्रैवल कर रहे हैं लगभग from how many years you are traveling? I've been traveling for a full year now. So how was your full experience? What do you think? Incredible. Yeah. I don't want to stop. I'm gonna have to. I'll run out of money eventually, but we'll deal with that when I get there. Okay. तो भाई logistic का काम करते हैं, खाया साल तक करा बैठा कमा लेते हैं। तू साल भर घूम रहे हैं, नजारे ले रहे हैं पूरे, और सो फार भाई को बहुत अच्छा लगा मिलके। भाई का एक्सपीरियंस पता लगता है और कुछ भी, और हमारी बोट तो है ही यहाँ से, तो इन्जॉय करते हैं। अभी बोट में पहुँचेंगे और वहाँ पे हमने बुक किया एक होटल, क्योंकि वहाँ पे होस्टल, तो जो होटल है उसका होटल और हॉस्टल का प्राइस सेम था, क्योंकि मैं सिस्टर के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो बढ़िया हॉस्टल लगभग वही 500-600 का मिल रहा था, तो हमने वही 1100-1100 में होटल बुक कर दिया है, जो बीच फ्रंट प्रॉपर्टी है और काफ़ी नाइस सी व्यू होगा बालकनी का, पूरे नज़ारे हैं नज़ारे। और अभी अभी मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है, देखोगे क्या ऑर्डर किया है, तो कुछ नहीं बट साइज देख के आपको भी डर जाओगे। तो भाई ये भाई साहब, ये वाले भाई साहब ऑर्डर किए, देख रहे हो भाई नारियल का साइज देखो भाई, अरे साइज देखो, अरे इतना बड़ा है ना, हाथ में आता है तो पूरा पता लगता है। तो इतना बड़ा साइज देख के तो ऐसे लग रहा है भाई खाते पीते घर का नारियल है ये। तो अभी नारियल ऑर्डर किया है, वो काट रहा है भाई, उधर काट रहे हैं और पिएंगे, और ये पड़ा है कोई 10,000 का यहाँ के। और ध्यान रखना आपको ऐसे पानी में ना नंगे पैर जाना पड़ेगा, तो ऊंचा पेंट पुंट था पहन के माती है, काफ़ी अच्छा है। और हमारा ऐसा रूम है साथ में, मैं दिखाता हूँ अभी, तो पहले बता देता हूँ वहाँ से जब हम आए, वहाँ से हमने बाइक की रेंट, तो रेंट का आप सीधा कहना इतनी तारीख को हमने लेनी है, आज लेंगे और इतनी तारीख को सुबह देंगे, तो नहीं तो वो करेंगे हम 12 घंटे का एक दिन गिनते हैं। हमने कहा ऐसा कोई सिस्टम नहीं हमारे पास, हमने लिया 70,000 में बढ़िया वाली, एक सस्ती आती है 50,000 वाली, 100 cc की होती है, ये है 150 cc वाली, हैवी है, बड़ी भी है स्कूटरी थोड़ी सी, मैं दिखा दूंगा। और 125 है, पता नहीं 150 इतना ही है, और ये पड़ी है हमें 70,000 की एक दिन की, तो ठीक है भाई इतना चलता है। और पेट्रोल वही 40-50,000 लीटर है। और ये जो हमको मिला है ये रूम इसलिए लिया है क्योंकि भाई हॉस्टल का रेट यहाँ पे 600,000 था, तो होटल का 1000 में होटल मिल रहा था, हमने कहा फिर होटल ले लेते हैं, जरूरी हॉस्टल लेना है। सच में एक पैराडाइज आइलैंड है, तो इधर वाले शानदार व्यू हैं। और जैसे मैंने कहा था आपको एक्टिवा दिखाऊंगा मैं अपनी, और एक्टिवा मेरी खड़ी है यहाँ, तो ये है गाइस इंडिया से हाय बल्ले बल्ले दब के। तो चंडीगढ़ तो ने, लुधियाने तो ने अपने नाल दे, ये मेरी एक्टिवा गाइस जी मैं कह रहा सी 125 cc आ, चंगी तरह भजदी आ, भजाउणी आ भज पूरी। सो हुण आपां जा रहे हाँ जिथे भी जा रहे हैं जाके दिखावांगे, सो चलते हैं। भाई साहब क्या व्यू है, पहले व्यू देखो भाई क्या जबरदस्त व्यू है। क्या टाइम हो रहा है, शाम बज रही है, तो गुड इवनिंग सारों को। तो फिलहाल हम हैं क्रिस्टल बीच पे, अरे बीच का नज़ारा लो पहले, पीछे वाला व्यू बहुत गजब है। और आज तो यार मज़ा आ गया, यहाँ पे आएंगे भाजी मेरे को बुला रहे, कहते पानी में आ जाओ भाई, हम नहीं आते मैं क्या। और तो हम आए क्रिस्टल बीच, जो कि मेरे होटल से था लगभग हाफ आवर मोटर बाइक पे, और मोटर बाइक मैंने आपको जैसे पहले ही दिखा दिया, शोर बहुत आ रहा होगा टाइट का वेव्स का, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और दुआ करें कि ये जो सन है बादल क्लियर हो जाएं और शानदार एक टाइम लैप्स आपको और एक मेरे लिए ज़बरदस्त चीज़ बन जाए यहाँ पे, और शाम तो अच्छी हो जाएगी एकदम, और
फिलहाल तो हम बीच पे हैं और बीच के नज़ारे लेंगे। आज तो यही है फिलहाल तो, क्योंकि चार बजने वाले हो गया, चार साढ़े चार, तो शाम को अगर रात को कहीं गए तो ठीक है, नहीं तो कल दिखाएंगे। अरे भाई कल तो ना, कल वाली वीडियो तो पक्की देखना, अरे आग वाली होगी, आग लगा देंगे वीडियो में, इतनी ज़बरदस्त बनाएंगे ना, अरे आप भी याद रखोगे। और ये हमारे भाई चंडीगढ़ वाले पानी में नहा रहे हैं।